दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी रिएक्शन। देखिए पाकिस्तान वाले इंडिया के विषय में क्या क्या बात कर रहे हैं। वो बहुत बेहतरीन कौम है। अब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आम आम जनता की, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफ़ा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज़ मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए, इंडिया जन्नत है। और फ़र्क कैसे हो सकता है, मतलब ये एक ही खत्ता था, ये सैकड़ों साल साथ रहे हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें उनमें हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें हम में हैं, हम बेसिकली तो एक ही हैं। अब ये बड़ी एक सख्त और तल्ख लाइन है, लेकिन ये फैक्ट है तो एक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज मैं आपको उस्मान चौधरी से मिलवाने जा रही हूँ, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 8 साल अजोका थिएटर के साथ काम किया है, 13 से 14 सीरियल्स कर चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान के कई बड़े टीवी चैनल्स में, कई बड़े ड्रामास में एज एक्टर काम कर रहे हैं और 20 से 21 बार एज आर्टिस्ट इंडिया भी जा चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा और एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, इंडिया और पाकिस्तान के आर्टिस्ट में ये क्या फ़र्क देखते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका एक्टिंग से ताल्लुक है, आप इतने अरसे से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, 20 से 21 बार एज एक्टर इंडिया भी जा चुके हैं, तो आपका इंडिया के एक्टर्स के साथ वहाँ जाकर काम करना, इंडिया में जाकर काम करना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा इंडिया जाने का और वहाँ काम करने का। अदाकारी के शोबे से मैं तकरीबन 9 साल से वाबस्ता हूँ। डिबेटर था काफ़ी अच्छा मैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, और उसके बाद अजोका थिएटर ज्वाइन किया। कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी, कोई प्लांटेड ये सारा कुछ नहीं हुआ। और आई वेंट टू अजोका थिएटर, वहाँ एक प्ले हो रहा था उन दिनों, उसमें एक छोटा सा किरदार दिया गया मुझे और फिर सिलसिला चल निकला। तो सर इंडिया जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ, पहली दफ़ा कब और कैसे इंडिया जाना हुआ? मैं 21 से ज़ायद दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ और ये सारे दौरे मेरे अजोका थिएटर के साथ थे। 2012 में आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम गया था अमृतसर में, हमने नाटशाला एक आर्ट काउंसिल टाइप जगह है, वहाँ हमने परफॉर्म किया था। और उसके बाद मेरा ख्याल है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में, अहमदाबाद और हैदराबाद दक्कन में, इन हर जगहों पे परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो मुझे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कमानी ऑडिटोरियम है, वहाँ परफॉर्म करने का बहुत मज़ा आया। टैगोर हॉल है यहाँ चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमने अपना एक फेमस प्ले बुल्ला वो परफॉर्म किया था। सो बहुत अच्छा रहा, जब जब भी गया हूँ बहुत प्यार मिला है। और आर्ट लविंग नेशन है इंडियन कॉम, आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और आर्टिस्ट की बहुत कदर करते हैं। तो सर वहाँ के आर्ट में, वहाँ के आर्टिस्ट में और पाकिस्तान के आर्टिस्ट में कितना फ़र्क देखा आपने? पाकिस्तान के आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। उसकी मैं आपको मैं अपनी एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि 2013 की बात है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए आए, तो उनसे दोस्ती हो गई, उनसे गपशप हुई। और एक एक्टर था NSD का, गुरिंदर नाम था उसका, ही सेड टू मी कि आपको पाकिस्तान में थिएटर करने के पैसे मिलते हैं? अब ये बड़ा एक वियर्ड सवाल था, मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं। तो ही सेड टू मी कि आप बड़े लकी हैं कि आपको पाकिस्तान में आप थिएटर कर रहे हैं और आपको इसके पैसे मिलते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-9 ईयर्स। उस दौरे में जितने लोग वहाँ से आए थे यहाँ, उनको मैं मुख्तलिफ फिल्मों में, बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों में बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करते हुए देख रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ये सारी तमहीद बांधने की रीज़न ये है कि आर्टिस्ट के लिए एक जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वहाँ पर। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आपको मौाक़े मिलते हैं, अगर आप थिएटर से आपका ताल्लुक है या किसी और
आप टीवी या फिल्म के साथ, तो आपके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान एंड स्पेशली व्हेन इट कम टू मी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, मैंने मोर देन 400 थिएटर परफॉर्मेंसेस किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका तक गया हूँ मैं परफॉर्म करने अपने ग्रुप के साथ ही, और 13 से ऊपर सीरियल किए हैं मैंने। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मेरे 3 सीरियल मेन स्ट्रीम चैनल्स पर चल रहे हैं, एक जियो पर चल रहा है, 2 ARY पर चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये इतना काम करने के बाद भी जब आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा आपको। ये एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। और भी मसाइल हैं लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफ़ा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज़ मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए, इंडिया जन्नत है, आई वुड से। तो सर, क्या इंडिया जाना, वहाँ का वीज़ा हासिल करना इजी है? क्या आम आदमी ये कर सकता है, और आर्टिस्ट के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है, मुश्किल काम है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 84 से इंडिया जा रही है परफॉर्मेंसेस के लिए। हम लोग तकरीबन हर साल जाते हैं वहाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ थिएटर फेस्टिवल होता है सालाना। तो हम पे ये ब्लेसिंग थी कि हमारा एक ताल्लुक एक ऐसे इदारे के साथ है कि जो हमें ले जाता है, स्पॉन्सर्स वहाँ से मिल जाते हैं अच्छे, जिसकी बुनियाद पे हमारा वीज़ा लग जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल है, आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है जब पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट इंडिया जाता है, वहाँ पे परफॉर्म करता है, थिएटर करता है, तो वहाँ के लोगों का क्या रवैया होता है, क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? सर पे उठा लेते हैं जी, आसान अल्फाज में। मुझे ये बात बड़ी मतलब दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि यहाँ पे लेट सपोज, आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमने एक ड्रामा परफॉर्म किया है कहीं भी किसी भी शहर में, आप उस ख़ास अरसे के लिए स्टार हैं। 2 घंटे का प्ले है, 2 घंटे तक आप स्टार हैं, उसके बाद आप एक आम आदमी हैं। अच्छा, आम आदमी होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक फ़न की कद्र है वो मतलब वो लोग याद रखते हैं अभी भी। अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे ज़्यादा दोस्त परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड जो हैं वो ज़्यादा इंडिया से हैं। मेरी उनसे डेली बेसिस पे बात होती है, वो काम मेरा देखते हैं और शायद यहाँ से ज़्यादा वहाँ देखते हैं। अच्छा सर, वहाँ के लोगों के रवैये कैसे थे जब आप लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ के लोगों को कैसा पाया? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की आवाम जो है, इनके दरमियान, इनके दिमागों में बहुत नेगेटिविटी है एक दूसरे को लेकर। आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा बुरा भला कहते हैं ये लोग एक दूसरे को, लेकिन आपने कैसा पाया वहाँ के लोगों को? जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हमें तो हमेशा बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला है। और अगर वहाँ की पब्लिक की बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी आपको, वहाँ की पब्लिक बहुत बेहतर है। मेरे बहुत से दोस्त मेरे मुखालिफ हो जाएंगे ये बात कहने के बाद, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, पंजाब पूरा देखा है मैंने, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जिन जो जवान एक जगह है, मतलब मैं भूल भी गया हूँ बहुत सारी जगह, हर जगह बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, हर जगह वो बड़ी इज्जत करते हैं। बल्कि आई वुड लव टू टेल यू समथिंग, मैं अमृतसर में इंडियन अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यस, वहाँ हमारा एक थिएटर प्ले था, जिस होटल में हम लोग रुके थे उसके नीचे एक शॉप थी एक सरदार जी की। मैं गया वहाँ, मुझे कुछ ख़रीदना था और मैंने उनसे चीज़ें वीज़ें लीं और मैं उर्दू बोल रहा था। ही सेड टू मी के कितों आए हो तुसी? मैंने कहा, मैं भी मूड में था, मैंने कहा आप गेस करें मैं कहाँ से आया हूँ। कहते लखनऊ से आए हैं आप? मैंने कहा नहीं। कहते दिल्ली से आए हैं? मैंने कहा नहीं। कहते फिर कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं लाहौर से आया हूँ। पाकिस्तान तो आए हो? मैं कह जी। आप यकीन कीजिए, और ये मैं कोई एग्जैजुएशन या ये इंटरव्यू के लिए मसाले के लिए नहीं कह रहा, ये सच है। उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, मैंने बहुत इंसिस्ट किया उनको कि आप
तो खुदा दा वास्ते ले लो कुछ, लेकिन उन्होंने उन्होंने पैसे नहीं लिए और बड़ी मतलब उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा मतलब इज्जत अफजाई की। ये एक वाक़या था, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। अगर मेरे साथ ज़ाती तौर पे कुछ मसला हुआ होता या मुझे किसी नफरत का निशाना बनाया गया होता तो मैं डेफिनेटली उसका भी जिक्र करता, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है। बल्कि हम प्राउडली बताते थे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, और ये बताने के बाद इज़्ज़त ज़्यादा मिलती थी। तो मैं तो कैटेगोरिकली ये कहूँगा कि वो बहुत बेहतरीन कौम है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। रही बात नफ़रतों की और ये सारा, तो ये अगर आप मीडिया की बात करें तो अर्नब गोस्वामी को वहाँ भी कोई मेरा ख्याल है पसंद नहीं करता। वहाँ के जो सेहतमंद दिमाग हैं, जो अच्छे दिमाग हैं, वो उसे पसंद नहीं करते। और यहाँ के जो इस किस्म की सोच रखने वाले या इंतहा पसंद हैं ज़हनी तौर पर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़िंदा रहना है, तो वो मसाइल वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। वहाँ का जो रुजत पसंद है, वहाँ की जो सेहतमंद आवाम है वो उसको पसंद नहीं करती, और एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसे ही है। ये मसाइल वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये मीडिया का काम है कि आप कैसे मतलब दोनों नेशंस को क्लोज लाते हैं, आप अच्छा चेहरा कितना दिखाते हैं। अब वो ना सॉरी टू से आप दिखाते हैं ना वो दिखाते हैं, बस यही मसला है। अच्छा, मुझे बताएं कि दोनों मुल्कों के कल्चर में कितना फ़र्क लगा, कितनी चीज़ें मिलती जुलती हैं पाकिस्तान और इंडिया की? कोई फ़र्क नहीं है जी, कोई फ़र्क नहीं है। मैं इस वक्त पाकिस्तानी पंजाब में बैठा हूँ, तो इंडियन पंजाब में जाके मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं अपने शहर से बाहर हूँ। बिल्कुल कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और फ़र्क कैसे हो सकता है, मतलब ये एक ही खत्ता था, ये सैकड़ों साल साथ रहे हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें उनमें हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें हम में हैं। हम बेसिकली तो एक ही हैं। अब ये बड़ी एक सख्त और तल्ख लाइन है, लेकिन ये फैक्ट है, हैं तो एक, और जब एक है तो कैसे फ़र्क हो सकता है। अच्छा, वहाँ के जो एक्टर्स थे उनका रवैया आपके साथ कैसा था? पब्लिक के बारे में तो आपने बता दिया, जो वहाँ के एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, उनका कैसा रवैया था आप लोगों के? ज़ाहिर है एक्टर भी उसी आवाम में से हैं, तो उनका रवैया ज़्यादा अच्छा होता था। उसकी वजह ये है कि वो आर्टिस्ट हैं, और एक अगर एक आर्टिस्ट है, अगर वो वाकई आर्टिस्ट है, क्लेम ना करे आर्टिस्ट हो, तो उसके लिए बाउंड्रीज कोई अहमियत नहीं रखती। वो एक्टर वैसे भी बाउंड्री लेस होता है, उसको ये लकीरें कोई फ़र्क नहीं डालती। तो आर्टिस्ट तो वहाँ का बड़ा सेंसिटिव है, हमसे ज़्यादा आर्टिस्ट को सेंसिटिव होना चाहिए, और वो वहाँ का है। बहुत प्यारे लोग हैं, आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी भी प्यारे हैं, आर्टिस्ट ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो लोग जो सर एक्टिंग में आना चाहते हैं या थिएटर वगैरह करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगे? ये काफ़ी मुश्किल सवाल किया आपने। बिल्कुल सारे काम करने चाहिए ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं। आप को एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, तो इसमें हर चीज़ वो करनी चाहिए जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम टू पाकिस्तान, व्हेन इट कम टू आवर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपको फिर चंद एक चीज़ों पे जो वर्किंग है वो आप कर लें। अगर आप यहाँ पे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि आपने इस पे डिपेंड नहीं करना। अब ये बड़ी एक तल्ख लाइन है, लेकिन ये है, आपको ये जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको इस पे सारी जो है वो जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। आपने इस पे डिपेंड नहीं करना। अगर आप डिपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको इनिशियली कुछ नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ शौक पूरा होगा, और शौक एक ख़ास अरसे के बाद ख़त्म हो जाता है। आपने डिपेंड नहीं करना और लर्निंग प्रोसेस में रहना है। लर्निंग की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज चूँकि यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरह कोई इदारा नहीं है कि जहाँ पर आप जाके अदाकारी सीख सकें। हैं चंद एक, लेकिन जितने लोग मतलब आना चाहते हैं उस हिसाब से कोई चक्कर नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आपको उस्मान चौधरी से मिलवाया, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। उम्मीद है आपको उनकी गुफ्तगू और आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।